गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है विटामिन। विटामिन की अगर बात किया जाए तो दो शब्दों से मिलकर के बना है विटा। विटामिन होता है लाइफ प्लस एमीन। एमीन मीन्स होता है एसेंशियल। एसेंशियल पेश कर सकते हैं एसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ यानी जीवन के लिए आवश्यक। क्योंकि वो सबसे पहले अगर बात करें डिस्कवर्ड बाई, इसकी जो खोज है वो एनआई यूनियन ने जो है किया था। इन्होंने एनआई यूनियन ने पता लगाया कि जो कोई चावल है, चावल जो है पॉलिश किए हुए जो आहार होते हैं उसको खाने से एक रोग होता है जिसको नाम दिया था बेरी बे। बाद में जो है इसी की परिकल्पना पर एक जो विटामिन थ्योरी लिखी गई, विटामिन थ्योरी। इस विटामिन थ्योरी को जो है दो साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया, जिसे हॉपकिंस एंड फूंक कहते हैं। हालांकि जो एनआई यूरिन ने खोजा था उन्होंने इसका कोई नामकरण नहीं किया था। तो ये विटामिन थ्योरी जब इन्होंने लिखा हॉपकिंस एंड फूंक ने, तो इन्होंने इस समय जो है विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। यानी इन्होंने कहा कि कोई एक हमारे शरीर में एक ऐसा अज्ञात पदार्थ पाया जाता है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है, उसको नाम दिया विटामिन। दो शब्दों से मिलकर बना लाइफ एंड एसेंशियल। विटामिन की अगर बात किया जाए, हमारी बॉडी में जो ऐसे जो विटामिन है इसकी लगभग 20 प्रकार के विटामिन जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, स्वयं होता है, और बाकी को हमें अपने भोजन से जो है प्राप्त करना पड़ता है। तो उसमें से जो है जो विटामिन डी है, विटामिन डी, और दूसरा जो नियासिन होता है, ये नियासिन जो होता है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है। इन दोनों का संश्लेषण हमारी बॉडी में हो जाता है, यानी यह जो है हमारी बॉडी में रहता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि नॉन एसेंशियल विटामिन होता है। बाकी जितने हैं उसको हमें भोजन से प्राप्त करना होता है, इसलिए उसको हम लोग एसेंशियल विटामिन भी कह सकते हैं। तो जो 20 प्रकार के विटामिन है उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक बांटा गया है लिपिड सॉल्युबल, और एक होता है वाटर सॉल्युबल। जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं इसमें ए डी ई के को रखा गया, जबकि इसमें जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी को रखा गया। इसमें विटामिन ए डी कॉम्प्लेक्स ई के को रखा गया, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी को यहां पर जो है रखा गया। जो लिपिड सॉल्युबल होता है ये वसा में घुलनशील होने के कारण इसका हमें अपने भोजन में डेली लेना आवश्यक नहीं होता है। यानी अगर भोजन उपस्थित है शरीर में तो इसकी खपत काफी दिनों तक हो सकती है। लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन होता है जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, इसको हमें अपने भोजन में डेली लेना अनिवार्य होता है। तो एक एक के बारे में यहां पर समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं जो लिपिड सॉल्युबल है इसमें विटामिन ए। देखिए जो विटामिन ए होता है इसको रेटिनॉल कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है विटामिन ए का। विटामिन ए जो होता है यह हमारे शरीर में जो हमारे जैसे आंख है, नेत्र है, इस नेत्र में जो है एक होता है रेटिनिन। तो उस रेटिनिन जिसको लोग विजुअल पर्पल भी कहते हैं, विजुअल पर्पल जो दिखाई पड़ने के लिए जो दृश्य होते हैं, दृश्य जो भाग होते हैं जहां पर जो फोकस होता है और वहां से हमको कोई चीज दिखाई पड़ता है, तो उस रेटिनिन के निर्माण के लिए विटामिन ए जो है काफी आवश्यक होता है। और ये जो प्रेजेंट होता है ये पाया था रेटिनॉल जो है, जो जैसे जितने भी नारंगी फल है जैसे संतरा है, ठीक है, नारंगी है, इन सभी फलों में जो है, या गाजर है, उन सभी फलों में जो है ये विटामिन ए उपस्थित होता है। कभी कभी क्या होता है इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है विटामिन ए की शरीर में। अगर मान लेते कमी हो जा रही है तो रेटिनिन नहीं बन पाता, जिसके कारण जो होता है जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को रात में कुछ कम दिखाई पड़ता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी कि रतौंधी रोग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है जो कॉर्निया होता है उस कॉर्निया में शल्की भवन आ जाता है, काफी जो शल्क जमा हो जाते हैं तो कॉर्निया का शल्की भवन हो जाता है, जिसको जो कहते हैं जीरोथैल्मिया रोग के नाम से उसको जो है
जानते हैं। तो इस तरह से इसकी कमी से होता है और ये जो जितने भी नारंगी फल होते हैं उन सभी में ये उपस्थित होता है विटामिन ए। दूसरा जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी देखिए जो विटामिन डी होता है इसको हम लोग विटामिन डी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? दो प्रकार का होता है। एक होता है कोलीकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल जिसको कहते हैं विटामिन डी थ्री, और एक होता है अर्गो कैल्सिफेरॉल जिसको कहते हैं विटामिन डी टू। जो विटामिन डी थ्री होता है विटामिन डी थ्री इसका संश्लेषण हमारी बॉडी में हो जाता है। कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी मिलता है, ऐसा नहीं, सूर्य के प्रकाश में सिर्फ संश्लेषित होता है। कैसे होता है वो देखेंगे, पूरी प्रक्रिया यहां पर देखेंगे। सबसे पहले जैसे विटामिन डी थ्री इसका संश्लेषण हमारे बॉडी में होता है, कैसे होता है? जैसे सनलाइट है, ये सनलाइट जैसे पड़ता है कहां पर? हमारे त्वचा पर। तो हमारे त्वचा में एक जो पदार्थ बन जाते हैं, जैसे त्वचा में सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जब ये रेज यहां पर जो है जो अल्ट्रावायलेट रेज है जब ये यहां पर स्किन से टकराती है तो हमारे स्किन में त्वचा कोशिकाओं में एक पदार्थ बनता है जिसको कहते हैं सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये जो सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोविटामिन, यानी कि अभी विटामिन बना नहीं है विटामिन डी थ्री, अभी प्रोविटामिन बना है। अब ये सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है कोलेस्ट्रॉल, ये यहां से स्किन में बना है। कहां पर बना है? स्किन में बना है, स्किन सेल में। तो ये यहां से स्किन से जो निकल करके ये चला जाता है ब्लड में, ये चला जाता है ब्लड में। अब इस ब्लड से जो है, जो ब्लड है इस ब्लड में जो भी पहुंचता है तो इस ब्लड से सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को ग्रहण कौन कर लेता है? लीवर सेल ग्रहण कर लेता है, लीवर की कोशिकाएं ग्रहण कर लेती है और इसी को कन्वर्ट कर देती है। ये जो सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है इसको कन्वर्ट कर देती है और ये कन्वर्ट कर देती है 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कर देती है। और फिर इसको लीवर सेल क्या करती है? इसको फिर वापस छोड़ देती है कहां पर? ब्लड में। अब फिर इस ब्लड से इसको ले लेती है, कौन से ले लेती है? ये ले लेता है जो तुम्हारा नेफ्रॉन होता है, उस नेफ्रॉन का जो है जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिश्यूज होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, फिर इसको ब्लड में से ले करके और इसको 125 डाइहाइड्रोक्सी कोली कैल्सिफेरॉल में इसको कन्वर्ट करके और फिर वापस इसको ब्लड में जो है भेज देती है। और तब जाकर के ये जो होता है इसी को हम लोग विटामिन डी थ्री का एक्टिव फॉर्म कहते हैं, सक्रिय रूप कहते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लेंगे कैसे बनता है। जैसे सनलाइट हमारे बॉडी पड़ता है तो जो स्किन होता है उस स्किन की कोशिकाओं में सबसे पहले जो है सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनता है, फिर वहां से चला जाता है ब्लड में, फिर ब्लड से यकृत कोशिका से ग्रहण करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सिफेरॉल में, फिर ब्लड में भेज देती है, फिर ब्लड से जो है नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका उसको ग्रहण करती है और उसको 125 डाइहाइड्रोक्सी कोली कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करती है, और जिससे हम विटामिन डी थ्री का सक्रिय रूप करते हैं। इस तरह से हमारे रुधिर में विटामिन डी पहुंच जाता है। बाकी जो अर्गो कैल्सिफेरॉल होता है, ये अर्गो कैल्सिफेरॉल की जो संश्लेषण होता है ये ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा इसका संश्लेषण होता है, ईस्ट कोशिकाओं के अंदर जो अर्गो कैल्सिफेरॉल का संश्लेषण होता है। तो ये तो था विटामिन डी। विटामिन डी की अगर बात किया जाए तो बस इसमें और कि विटामिन डी जो होता है उसकी बात किया जाए तो विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी हो जाए, आई हो गया होगा, अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए, मान लेते कमी हो जा रही है विटामिन डी की, तो ये करता क्या है? जो इसका मुख्य कार्य होता है ये हमारे हड्डियों को, एक ही और ध्यान देना है, तो ये जो है अभी इस वर्ष जो है 2000 जो भी पिछला हुआ है 19 में जो टेस्ट हुआ था
उस टीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन भी है, तो ये विटामिन डी जो होता है वह हार्मोन की तरह कार्य करते, ध्यान रहे। तो ये करता क्या है, जो विटामिन डी होता है ये हमारे शरीर पहुंच करके हमारे अस्थियों आदि या दांतों आदि के निर्माण में सहायक होता है, हमारे पेशियों को दृढ़ता प्रदान करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती है, अस्थियां होती हैं, वो वहां पर भंगुर होने लगती हैं, तो जिसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। अस्थि भंगुर अस्थियां जो है धीरे धीरे काफी कमजोर हो जाती है। इसके बाद छोटे बच्चों में अगर बात करें तो छोटे बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, जिसको रिकेट्स के नाम से जानते हैं, तो वहां पर सूखा रोग होता है अगर इसकी विटामिन डी की कमी हो जाए। तीसरा जो होता है विटामिन ई जो होता है, इसको जो है हम लोग यहाँ पर जो विटामिन है इसको टोकोफेराल के नाम से जानते हैं। जो टोकोफेराल होता है ये विटामिन ई, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसको बांझपन रोधी कहते हैं, जिसमें मान लेते कहिए अगर मान लेते उसके जो है संतान नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें विटामिन ई की कमी होती है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य होता है जनन क्षमता में वृद्धि करना। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन ई भोजन में होना आवश्यक होता है, क्योंकि यह जनन स्वास्थ्य से संबंधित होता है। तो जनन क्षमता में जो है अगर बढ़ाना है तो उसके लिए जो है विटामिन ई का सेवन किया जाता है। ये जो है जो जिसे क्या नाम है जितने भी खट्टे वो क्या नाम इसमें आंवला है, आंवला में अधिकतर पाया जाता है विटामिन ई। वैसे भी विटामिन ई की बहुत सारी जो है कैप्सूल भी आती है। हरी सब्जियों में विटामिन ई पाया जाता है, दूध मक्खन अंडे, इसके अलावा जो है जो आंवला उसमें आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई उपस्थित होता है, और इसलिए जो है इसका अधिक उपयोग करते हैं तो उससे जो जो बांझपन होता है वो बांझपन भी दूर होता है, यानी फर्टिलिटी के गुण यदि नहीं है, जनन क्षमता नहीं है तो जनन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसका एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, तो कमी हो जाए जस्ट हमने बताया कि इसकी कमी हो जाती है तो शरीर में जो है नपुंसकता आ जाती है, स्टेराइल हो जाते हैं। चौथा होता है विटामिन के। विटामिन के को जो है नेप्थो क्यूनोन कहते हैं, विटामिन के को नेप्थो क्यूनोन कहते हैं। यह जो है रुधिर स्राव को जो है कम करने का जो मुख्य कार्य करता है। विटामिन के जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है कि हमारे शरीर में कोई चोट लग जाए तो वहां पर बड़ी तेजी से अधिक मात्रा में जल्दी से फाइब्रिन का निर्माण करे, और ये फाइब्रिन जो है पूरा जो है वो करके एक थक्का जमा दे ब्लड का, और ब्लड को थक जमने से रोक देता है। अगर मान लेते इसकी डिफिशियंसी हो जाए शरीर में, इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर ब्लीडर्स डिजीज हो जाता है, मतलब कि अधिक मात्रा में रुधिर का जो है स्राव होने लगता है। तो ये जो चार थे ये लिपिड सॉल्युबल थे, इनका हमें अपने भोजन में डेली लेना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये पहुंच करके हमारे वसाओं में घुल जाते हैं। अब आते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल दो है, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। देखिए जो विटामिन डी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, पाइंटोफेनिक एसिड, नियासिन, ये जो नियासिन लिखा है ये भी इसी के अंतर्गत आता है, नियासिन, विटामिन H जिसको बायोटिन भी कहते हैं, विटामिन PP, इसके अलावा विटामिन B12 होता है, फॉलिक एसिड भी होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। वैसे मैं हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर विटामिन B1 में जो पढ़ा जाता है वो विटामिन B1 पढ़ता है, इसको हम लोग कहते हैं थियामीन के नाम से उसको जो है जानते हैं। और इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। मान इसकी जो कमी हो जाए इसका काम क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो इसमें क्या है कि बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग है क्या इसको थोड़ा समझेंगे। असल में जो बेरी बेरी रोग होता है ये होता क्या है, एक कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ डिजीज, रोगों का एक समूह है बेरी बेरी। इसमें होता क्या है कि जो
अगर कमी हो जाती है विटामिन बी वन की, तो इसका जो हमारा हार्ट होता है वो हार्ट अधिक तीव्रता से जो प्रेरित होने लगता है, स्पंदनशील वहां पर बढ़ जाती है, यानी हार्ट फेलर भी हो सकता है, पैरालिसिस का अटैक जो है यानी नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, पैरालिसिस हो सकता है, और कब्ज यानी अपच की शिकायत रहती है। तो इन सबके समूह को ही कहते हैं बेरी बेरी रोग। विटामिन बी जो बी वन होता है इसमें था, तो इसमें जो होता है क्या है, इसी की सबसे पहले खोज हुई थी, इसी में माना गया जो चावल होते हैं उस चावल आयतित जो चावल होते हैं उस चावल में पॉलिश जो अगर किए चावल है उसको खाने से संभवतः विटामिन बी वन यानी कि ये बेरी बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए विटामिन बी ट्वेल्व होता है, थोड़ा सा उसको जान ले कि एक बार पूछा जा चुका है नीट में और तो बहुत ज्यादा नहीं है। विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है, बी ट्वेल्व को साइनोकोबैलेनिन कहते हैं, साइनोकोबैलेनिन। तो इसमें एक ही ध्यान रखना कि जो विटामिन बी ट्वेल्व होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, तभी ध्यान रखें साइनोकोबैलेनिन कोबाल्ट क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन। तो कोबाल्ट से प्रेजेंट साइनोकोबैलेनिन इसका नाम होता है, और इसका जो अवशोषण होता है वो हमने पहले पिछले वाले अपने पाठ से पढ़ाया था, जब उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसके जो स्टमक पे जो पेराइटल सेल होता है उससे एक्सियल और इंसेंट्रिक फैक्टर साइज होता है, वो इंसेंट्रिक फैक्टर तात्विक कारक जो होता है वो इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, इससे कमी हो जाए तो यहाँ पर जो है एनीमिया रोग यानी रुधिर क्षीणता रोग उत्पन्न होता है। दूसरा विटामिन होता है विटामिन सी, इसको नाम दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये हमें जितने भी खट्टे वाले पदार्थ होते हैं उससे विटामिन सी प्राप्त होता है, नींबू है, संतरा है, जितने खट्टे पदार्थ टमाटर है उससे जो है एस्कॉर्बिक एसिड प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण होता है ये हमारे जो पेशियां उस पेशियों की मरम्मत करने का कार्य करता है, तो इसकी अगर कमी हो जाती तो होता क्या है कि पेशियों की मरम्मत नहीं हो पाती सही से, जिससे कि जो घाव होता है वो घाव ठीक नहीं हो पाता है, और उसको कहते हैं स्कर्वी रोग। तो उससे जो एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं स्कर्वी रोग। तो ये इतने प्रकार के विटामिन है, विटामिन मतलब लाइफ इसेंशियल एंड इसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक होता है। सबसे पहले एनआईयू ने खोजा था, लेकिन इसका जो नामकरण है वो हॉपकिंस एंड फुंक के विटामिन थ्योरी के अकॉर्डिंग फुंक ने सबसे पहले इसका नामकरण किए थे। विटामिन डी और जो नियासिन होता है, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है नियासिन, ये दोनों का संश्लेषण हमारी बॉडी में होता है, बाकी को हमें भोजन से ही प्राप्त करना होता है। दो प्रकार के विटामिन है, लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल ए डी ई के होते हैं और वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी सी होता है। लिपिड सॉल्युबल को हमारे भोजन में डेली होना आवश्यक नहीं, जबकि वाटर सॉल्युबल का डेली हमारे भोजन में होना आवश्यक, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा यूरिन के साथ निकल जाती है, जल में घुलनशील होने के कारण ये यूरिन के साथ अधिक मात्रा में निकल जाती है। तो ये पूरा जो टॉपिक था वो विटामिन था। धन्यवाद।